नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। ढाई साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने नगरपालिका बगरू के वार्ड 12 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि इन ढाई सालों में पार्षद द्वारा क्या कुछ कार्य कराए गए हैं और वर्तमान में क्या क्या समस्याएं बची हैं। इस दौरान जनता ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जो पार्षद है उसे काम बढ़िया करवा रही है, सारा काम। हाँ, समस्या क्या आपके यहाँ? समस्या तो वो पानी की थी, जो पानी की विसल पुरवाने के बाद समस्या खत्म हो गई। अभी क्या समस्या है? अभी कोई समस्या नहीं। पानी की जरूरत हमको, जब पीने का पानी आ जाए ना तो सबसे अच्छा हो जाए, ये चाहते हैं। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं? अच्छा करता है। हाँ, करता है ना सुनवाई। हाँ, संतुष्ट है आप पार्षद से? हाँ, इस्माइल है अपना नाम था। बढ़िया काम करवा रहे हैं, सारा काम करा रहे हैं, सुनवाई करते हैं ना। बढ़िया है व्यवहार उनका। हमारे समस्या पानी की थी, तो बिसलपुर का पानी भी आ गया यहाँ, बिल्कुल अच्छा था। आपकी समस्या क्या है? समस्या तो कहीं को ना, बढ़िया बढ़िया जाए। अच्छा हो रहा काम? पानी भी आ गो, पहले पानी कौन सा लेकर जाते, सुनवाई करते हैं। क्या नाम आपका? राकेश बैरवा। ये पूजा कुमार। बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा कर रहा है। अभी तो पानी की समस्या है बस। हाँ, अच्छा है। अच्छा काम करवाया था, अच्छा काम करवाया था। कोई समस्या नहीं है, लाइट वाइट और सब अच्छी व्यवस्था है। हाँ हाँ करता था। हाँ, हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 12 के पार्षद प्रतिनिधि ओम प्रकाश कुमावत। आइए जानते हैं पिछले ढाई साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। पार्षद प्रतिनिधि साहब, स्वागत करना चाहूँगा एक्सप्रेस न्यूज भरतपुर। जानना चाहूँगा ढाई साल का जो कार्यकाल रहा, क्या सर आपका? हमारा ढाई साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत सारे सड़कों का निर्माण, यहाँ पे काफ़ी समस्या थी तो हमने दूर कर दी, और पानी की थी वो भी हमने लगभग सभी डियाणियों में पानी जा रहा है। एक दो अगर किस तरीके से क्या प्रयास किए गए, क्या कार्य किए गए? पहले यहाँ पे बिसलपुर लाइन नहीं थी, जो हमारे विधायक साहब श्रीमती गंगा देवी द्वारा अभी बगरू नगर पालिका को जोड़ दिया गया है, उनमें लगभग सभी डियाणियों में पानी जा रहा है। एक दो डियाणियाँ बची है, वहाँ पे जल्दी सेक्शन के लिए हमने एप्लीकेशन लगा दिए। वहाँ से ये माना जा रहा है कि जल्दी सेक्शन होके आ जाएगी, वहाँ लाइनें भी जाएगी, उनको भी सुचारू रूप से पानी मिलने लग जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में पिछले ढाई सालों में क्या काम किया गया? शिक्षा क्षेत्र में मेरे वार्ड में एक स्कूल पढ़ती है, सोन सेठ की स्कूल, मांगिया वाली कोठी के पास। वहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं था, तो हमने नगर पालिका के थ्रू वहाँ बाउंड्री वाल करवा दिया है, और जहाँ होल बना हुआ है वहाँ उसके आमने सामने इंटरलॉक ब्लॉक लगाने की थी, तो वो भी जल्दी लग जाएंगे। नालियों को लेकर किस तरीके से क्या कार्य किया गया? मेरा वार्ड सिटी वार्ड से हटकर है, ग्रामीण पड़ता है, तो हमारे कोई नालियों का इतना इशू नहीं है। जो इतना सी पानी आता है नहाने धोने का, जो साइड में से सूख जाता है। वर्तमान में आपको समस्याएँ क्या नज़र आ रही है? मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, एक दो रोडे की है जो वो भी जल्दी बन जाएगी। अभी हमारे पास ढाई साल बचे हैं, अभी तो ढाई साल ही हुए हैं। देखिए ढाई साल जो बचे हैं, ढाई साल को लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? मेरे वार्ड में एक टंकी पड़ती है, लोरवाड़ा पानी की टंकी, वहाँ पर हमारे सार्वजनिक जगह छोड़ी हुई है बामा साहब के द्वारा। मैं जल्द कोशिश करूँगा कि वहाँ पर एक होल बन के बैठने लायक और पानी पीने के लायक, जो यहाँ चार पाँच रास्ते पड़ते हैं, तो वहाँ पे बैठने लायक पानी पीने लायक मिल जाए, तो वहाँ आने जाने को काफ़ी सुविधा मिलेगी, वार्ड को भी काफ़ी उसका लाभ मिलेगा। वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार मेरे पिताजी को, फिर मेरे को, फिर अब मेरे मिसेज को इस प्रकार सेवा करने का मौका दिया, आगे भी ऐसे बरकरार रखे, उनका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? मैं राजनीति में 2013 से सक्रिय हूँ, उसके बाद 2015 में मैं पार्षद बना भारतीय जनता पार्टी से। इस बार 2020 में चुनाव हुए, इस बार निर्दलीय मेरी वाइफ बनी, उससे पहले मेरे पिताजी थे 1995 से 2005 तक दो बार पार्षद वो रह गए।
भारतीय।